श्री मसानिया भैरव धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में चंपालाल महाराज के सानिध्य व तहसीलदार नसीराबाद व मेला मजिस्ट्रेट भंवरलाल सेन और मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी की उपस्थिति में रविवार को आए हुए देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के साथ नशा मुक्ति रैली निकाली गई, जिसमें देश भर के हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लेते हुए महाराज की प्रेरणा से परिवार व समाज को नशा मुक्त करने के लिए संकल्प लिया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि रैली चक्की वाले बाबा के मंदिर से होती हुई मुख्य मंदिर से आई। रैली में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं ने नशा छोड़ो घर को जोड़ो जैसे कई नारों से पूरे राजगढ़ गांव को गुंजायमान कर दिया। रैली में सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्तिभाव से भाग लिया। राजगढ़ धाम की अनोखी पहचान नशा मुक्त हो हर इंसान चंपालाल महाराज ने रैली से पूर्व आए हुए हजारों श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा संपूर्ण परिवार को सर्वनाश कर देता है। नशा करने वाला परिवार व समाज पिछड़ जाता है। नशा काल और विनाश का कारण बनता है। सात अप्रैल गुरुवार के दिन छठा मेला विशाल आयोजित किया जाएगा। उस मेले को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आज हमारे बीच स्थानीय तहसीलदार और मेला मजिस्ट्रेट माननीय श्री भंवरलाल जी सैनी साहब हमारे बीच उपस्थित थे। उनकी और गुरुदेव श्री की अध्यक्षता में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उसके साथ ही माननीय तहसीलदार जी और गुरुदेव श्री की अध्यक्षता में नशा मुक्ति अभियान को लेकर एक रैली का आयोजन आए हुए सभी श्रद्धालुओं के साथ में गाजे बाजे के साथ नारों के साथ उस रैली का आयोजन किया गया। इसी के मद्देनजर रखते हुए जो पिछला रविवार गया है उसको भी गुरुदेव श्री के सानिध्य में बेटी बचाओ के ऊपर भी एक विशाल रैली का आयोजन स्थान पर किया गया। और श्रद्धालुओं में बताना चाहूंगा ये दिव्य स्थान आस्था और विश्वास का ही केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियां सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाला दिव्य स्थान है। सरकार भी इस दिव्य स्थान को एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करती है। आज सभी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार साहब का स्वागत किया और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कर्मठ और ऐसे निष्पक्ष और ऐसे ईमानदार अधिकारी आज हमारे बीच महसूस है।